गायत्री के मुख विधान के लिए अर्थवाद। गायत्री का मुख विधान करने के लिए अर्थवाद कहा जाता है। उस विधे जनक ने बुडल आश्रत राशि से यही बात कही थी कि तूने जो अपने को गायत्री वेद अर्थात गायत्री तत्व का ज्ञाता कहा था, तो फिर प्रतिग्रह के दोष से हाथी होकर बाहर क्यों ढोता है। इस पर उसने, हे सम्राट, मैं इसका मुखी नहीं जानता था, ऐसा कहा। तब जनक ने कहा, इसका अग्नि ही मुख है। यदि अग्नि में लोग बहुत सा ईंधन रखते तो वह उस सभी को जला डालता है। इसी प्रकार ऐसा जानने वाला बहुत सा पाप करता रहा हो तो भी वह उस सबको भक्षण करके शुद्ध पवित्र अजर अमर हो जाता है। उस गायत्री विज्ञान के विषय में ऐसा ही स्मरण भी किया जाता है। विधेय जनक ने बुडल नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति से, जो अश्वत राश्य के पुत्र होने के कारण आश्वत राश्य कहलाते थे, उनसे कहा था, हो अर्थात अहो, तूने जो अपने को गायत्री का जानकार बतलाया था, अर्थात तू जो कहता था कि मैं गायत्री का ज्ञाता हूँ, सो तेरे उस वचन के विपरीत ऐसा क्यों है। यदि तू गायत्री का ज्ञाता है तो प्रतिग्रह दोष के कारण तू हाथी बनकर बाहर क्यों ढोता है। राजा के द्वारा स्मरण कराए जाने पर उसने उत्तर दिया, हे सम्राट, क्योंकि मैं इस गायत्री का मुख नहीं जानता था, ऐसा उसने कहा। एक अंश रहित होने के कारण मेरा गायत्री विज्ञान निष्फल हो गया है। तब जनक ने कहा, अच्छा तो सुन, उस गायत्री का अग्नि ही मुख है। यदि लौकिक पुरुष अग्नि में बहुत सा ईंधन भी डाले तो वह अग्नि उस सभी को भस्म कर देता है। इसी प्रकार जो ऐसा जानने वाला है, अर्थात गायत्री का मुख अग्नि है, ऐसा जो जानता है तो स्वयं अग्नि मुख होकर गायत्री का स्वरूप हो गया है। वे यद्यपि बहुत सा पाप यानी प्रतिग्रह दोष भी करता रहा हो, उस संपूर्ण पाप समूह को संपसाय अर्थात भक्षण करके वे गायत्री आत्मा शुद्ध होकर और उस प्रतिग्रह दोष से अग्नि के समान पवित्र होकर अजर अमर हो जाता है।